बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाई हुई, क्योंकि मैंने देखा कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अपार्ट फ्रॉम जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि कितने यहाँ पर, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्थोमोलॉजी है, लेप्रोस्कोपी है, गायनी के मैंने देखा, वार्ड विजिट किया, पेशेंट्स के साथ बात की, गोल्डन कार्ड के हवाले से पूछा, डॉक्टर्स के हवाले से पूछा, दवाई के हवाले से पूछा, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ होने के साथ साथ यहाँ पर जो मैंने ह्यूमन रिसोर्स देखा, जिस तरीके से यहाँ पर लोग काम भी कर रहे हैं, और रश मैंने देखा बहुत ज़्यादा है। अब तो जानते ही हैं, ये जितने मैं हॉस्पिटल घूमी हूँ अभी तक, मुझे उनमें से सबसे बेस्ट ही लगा। मैम यहाँ पे थिएटर ऑपरेट है, अलबत्त यहाँ पे ब्लड बैंक की कमी है, ब्लड भी क्या से अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से तो जो हमारे SDM साहब हैं उनके मुताबिक मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसकी सेंक्शन आ चुकी है। आएंगे आगे रेडियोलॉजी हम करेंगे बात भूपिंदर जी से, क्योंकि ये ट्रामा है ना, इसलिए इस यहाँ पर करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है और कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत हो, जो इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत होंगी मैं कंसर्न जो अपने DMO साहब हैं उनसे भी बात करूँगी, SDM साहब से भी बात करूँगी, हम आगे उठाएंगे। जो हमारे सेक्रेटरी हैं भूपिंदर जी, वो वैसे भी बारामूला से वाकिफ़ हैं, यहाँ के DC रह चुके हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे जो कमी पेशी होगी उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे बढ़िया यहाँ पे अपग्रेडेशन का मसला है, क्योंकि पोस्ट तब तक नहीं आएंगे जब तक ये हॉस्पिटल अपग्रेड। देखिए अपग्रेडेशन जो है, नहीं जो अपग्रेडेशन होता है दैट इज़ डन बाय यू नो कैबिनेट। अब आज तो वो है नहीं, अब नेचुरली सैक है, तो ऑब्वियसली वो सैक, वो मेरे पावर्स तो नहीं है ना, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बाकी जो इश्यूज आपने उठाए वो डेफिनेटली मैं सेक्रेटरी साहब के साथ बात करूँगी इस वाले से। थैंक यू।